अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको राणा बर्ड्स रावलपिंडी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आप अपने बर्ड्स को कैल्शियम जो है वो पानी में या कैल्शियम वाले जो शरबत हैं, ठीक है, जो अक्सर हम छोटे बच्चों को भी देते हैं, वो पानी में मिला के या दाने में मिला के कैसे अपने बर्ड्स को देते हैं, ठीक है, कौन कौन से शरबत होने चाहिए और किस तरीके से देने हैं, इसके बारे में मैं आज आपको गाइड करूंगा, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मेरे पास इस वक्त तकरीबन 4 किस्म के शरबत हैं, ठीक है। एक आप ये देखें, ये है लाइजोविट, ठीक है। इसमें आप अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे जो हैं कैल्शियम वगैरह आपको नज़र आएंगे, ठीक है। ये देखिए विटामिन, ठीक है, इसमें हैं, और विटामिन बी है, बी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, विटामिन सी है, गर्मियों में बहुत अच्छा आता है विटामिन सी, ठीक है। इसके बाद एक कैल्शियम पी है, इसका तो आपने नाम सुना होगा कैल्शियम पी का, ये तो बहुत आम है, हर कोई सजेस्ट करता है, मैं भी करता हूँ, ठीक है। ये इसमें आप ये इनके इंग्रेडिएंट्स देखिए तो इसमें है जी कैल्शियम फास्फेट और विटामिन डी, ठीक है। इसमें इसके बाद एक मेरे पास है यहाँ पे विटामिन एम, ठीक है, विटामिन एम, ये इसमें आप देखिए कि इसमें भी बहुत सारे विटामिन्स हैं, विटामिन B2, B1, विटामिन सी, आयरन है, आयोडीन है, आयोडीन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है बर्ड्स के लिए ना, ठीक है, और विटामिन B6, B12, मैग्नीशियम, ठीक है, और जिंक भी है इसमें, ठीक है। इसके बाद एक और है मेरे पास रेग्नम, रेग्नम मैं सजेस्ट करूँगा सबको, थोड़ा सा कॉस्टली है, ठीक है, इतना भी नहीं है, लेकिन 123 रुपए का है, ठीक है, तो रेग्नम इस्तेमाल करें, ये हनी फ्लेवर में है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना विटामिन और मिनरल्स हैं, और सबसे मज़े की बात ये कि इसमें अमाइनो एसिड्स भी हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड्स भी हैं इसमें, विटामिन देखें आप, अगर आप देख सकें तो विटामिन ए, B1, B2, B6, B12, सी, डी, ई, फोलिक एसिड, बायोटिन, क्लोरीन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब देखें, आपको मैंने 4 शरबत दिखाए हैं, चारों में किसी में भी नहीं है, लेकिन इसमें आप देखें 5 अमाइनो एसिड्स हैं, 12 मिनरल्स हैं और 13 विटामिन्स हैं। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने बर्ड्स को ये दें। इसको आपने देना कैसे है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने करना क्या है, आपने करना क्या है कि जी ये थोड़ा सा ये मेरे बाहर सिर्फ इतना सा आपने डाल लेना है, ठीक है, सिर्फ इतना सा आपने डालना है और ऐसे हाथ धो के आपने उंगली से मिक्स कर लेना। ये सिर्फ मैंने एक पेयर के लिए बनाया है, ठीक है, सिर्फ एक पेयर के लिए, ये बजरी, रिंग नेक, जिसको भी हो उसको आप दें, इंशाल्लाह किसी चीज़ की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। थैंक यू।